नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि एक समस्या हो गई है इस वक्त और जिससे विशेष रूप से महिलाएँ इससे ग्रसित हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ता है और इससे हम सब लोग परेशान रहते हैं। सबसे पहले साथियों, हम लोग यह समझ लें कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है उसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब थायराइड ग्रंथि जो सिक्रीशन करती है उसका काम क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जो सिक्रीशन करती है उसका काम होता है आपके बॉडी का BMR कंट्रोल करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट होता है जिससे हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म गवर्न होता है। इस रेट पे हमारे सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, चाहे वो डाइजेशन हो चाहे वो तमाम और प्रोसेस हो, वो चलते हैं। तो जब ये BMR आपका हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो जाता है तो आपका BMR कम हो जाता है और तब आपको जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के आप शिकार होते हैं। साथियों, इसके कारण की बात कर लें। हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण थायराइड ग्रंथि का कम हार्मोन सिक्रीट करना है। जब थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन सिक्रीट करती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब साथियों, हम आपको बताते हैं इसको कारगर दवाएं जो इसको ठीक कर देंगी होम्योपैथी में। एक चीज़ मैं प्रोग्राम में शुरुआत में आपको बता दूँ इन दवाओं के जिक्र से पहले कि ये एक एजुकेशन पर्पज़ का प्रोग्राम है या किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी कि आप जब भी कभी दवा लें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, कि हर किसी के सिम्टम भिन्न हो सकते हैं, कारण भिन्न हो सकते हैं, दवाएं भी भिन्न हो सकती हैं, तो आप हमेशा डॉक्टर की राय से ही दवा लें। इस प्रोग्राम का पर्पस केवल होम्योपैथी की अवेयरनेस की, होम्योपैथी में इन चीज़ों की दवाएँ आती हैं, होम्योपैथी की अवेयरनेस स्प्रेड करना है, होम्योपैथी के बारे में आपको बताना है और आपकी एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आप जिससे अवेयर होके उस हिसाब से दवाओं को डॉक्टर जो लिख रहा है खुद भी एक एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं हम लोग होम्योपैथी में हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इसको हम लोग जैसे कि हर वीडियो में श्रृंखला बना ली है कि कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है कि कॉन्स्टिपेशन से हाइपोथायरॉयडिज्म, वेट गेन से हाइपोथायरॉयडिज्म, इस तरह से तमाम श्रृंखला बना ली है। तो सबसे पहले साथियों, हम लोग बात करते हैं वेट गेन की। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण आपका वेट गेन हो रहा है। यदि साथियों यह स्थिति होती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण आपका वेट गेन हो रहा हो तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। पहली दवा साथियों और फारमोस्ट दवा है, बेस्ट दवा है, कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब उन लोगों के लिए बहुत कारगर दवा है जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, गोरे हैं, थोड़े थुलथुले हैं और जो है वो फैट है, उन लोगों के लिए होम्योपैथी में कारगर दवा है कैल्केरिया कार्ब। यदि आपको यह सिम्टम आप में हैं तो आप कैल्केरिया कार्ब 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। आपको जो हाइपोथायरॉयडिज्म से वेट गेन हो रहा है उसमें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों, दूसरी दवा इसकी आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार उन लोगों के लिए बहुत कारगर दवा है साथियों, जिनके जो है ऑस्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और वह उससे परेशान है। यदि आपको यह स्थिति साथियों है कि आपको ऑस्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपके लिए दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 की 2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तीसरी दवा साथियों, यही हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने की है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 2 बूंद आप सुबह दोपहर शाम उस स्थिति में लें जब आपके बटक और थाई रीजन में वेट बढ़ रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है। अगर आपके बटक रीजन में और थाई रीजन में फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो लाइकोपोडियम 30 आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों, एक दूसरी स्थिति आती है जब आपके हाइपोथायरॉयडिज्म है और साथ में आपके मेंस्ट्रुअल ट्रबल है। अगर आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ मेंस्ट्रुअल ट्रबल हो रहा है तो उसकी होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवाएं साथियों जो कि आपकी इस समस्या को ठीक कर देंगी।
पहली दवा है साथियों सीपिया। सीपिया 32 बूंद आप उस स्थिति में दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपका बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, यानी लग रहा है कि यूट्रस बाहर आ रही है, फ्लो बहुत प्रोफाउस है और आपको बहुत सर्दी लग रही है और बहुत वीकनेस लग रही है, तो उसकी बहुत ही अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसका एक और सिम्टम है, सीपिया का पेशेंट बहुत दुबला पतला होता है। यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन दुबला पतला, आप अपने को दुबला पतला कहते हैं तो आपके लिए दवा सीपिया है, जब आपका मेंस्ट्रुअल ट्रबल ड्यू टू हाइपोथायरायडिज्म है। दूसरी दवा साथियों इसी स्थिति की है, वह है फेरामेट। फेरामेट 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत थिन है, बहुत पतला खून आ रहा है तो और बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको है, तो आप इसको फेरामेट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और तीसरी दवा साथियों इसकी है चाइना, यानी सिंकोना ऑफिसनेलिस। सिंकोना ऑफिसनेलिस 30 2-2 बूंद जब बहुत ही प्रोफाउस ब्लड फ्लो हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, अगर यह स्थिति आपकी बनती है साथियों तो आपकी दवा है चाइना। चाइना 200 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, आपको आराम मिल जाएगा। और चौथी दवा इसकी साथियों कैल्केरिया कार्प 30 है। कैल्केरिया कार्प 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आपको अंडे खाने की बहुत चाहत रहती हो, एग्स आपको बहुत बढ़िया लगते हो, खाने की क्रेविंग होती हो और साथ में आपके सर से पसीना बहुत आता हो रात में, यदि यह स्थिति आप में है तो आपकी दवा कैल्केरिया कार्प 30 है 2-2 बूंद दिन में 3 बार। फिर साथियों एक और स्थिति आती है जब आपको हाइपोथायरायडिज्म के साथ बार बार कोल्ड हो जाता है, बहुत बार बार सर्दी हो जाती है, अगर यह स्थिति साथियों आप में है तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर 3 दवाएं हैं। पहली दवा है साथियों सोराइनम। सोराइनम के पेशेंट को बहुत सर्दी लगती है, हर समय सर्दी लगा करती है और उसको स्किन डिजीजेस की हिस्ट्री होती है। अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है, आपको बार बार सर्दी हो रही है और आपके स्किन डिजीजेस हो रहे हैं तो आपकी दवा सोराइनम है साथियों। सोराइनम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, इससे आपको थायराइड को कंट्रोल होने में और सर्दी होने में को रोकने में बहुत राहत मिलेगी। दूसरी दवा साथियों इसकी है सलीसिया। सलीसिया 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आपको सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, अगर यह कंडीशन साथियों आपको, आप कोल्ड के प्रति सेंसिटिविटी हो कोल्ड और हीट के प्रति, तो आप सैलिसिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है और साथ में आपको सर्दी बहुत जल्दी होती है। और तीसरी दवा साथियों इसकी कैल्केरिया कार्प है। आप कैल्केरिया कार्प 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपको सर से रात में बहुत पसीना आता हो, आप फेयर एंड फैट फ्लैबी हों और आपको गर्म चीज़ों से आराम मिलता हो, अगर यह स्थिति आप में साथियों बने तो आप कैल्केरिया कार्प 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको जो है वह कॉन्स्टिपेशन हो गया, हाइपोथायरायडिज्म विद कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत आपको बहुत ज़्यादा हो गई और आप हाइपोथायरायड के मरीज़ हैं, अगर साथियों यह स्थिति आप में है तो इसकी 3 बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएँ हैं। पहली है एलुमिना। एलुमिना 200 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम यदि आप ले लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कॉन्स्टिपेशन में जो हाइपोथायरायडिज्म के कारण है, अगर आपको सर्दी बहुत लगती हो, आपके कब्जियत बहुत रहती हो और वो ऐसी कब्जियत हो कि कई दिनों तक स्टूल आपके इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो रहा है, आपको पॉटी नहीं हो रही है, स्टूल आपके इकट्ठा होता जा रहा है और बहुत लार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है और फिर आप जब मोशन जा रहे हैं तो पहले आपको सख्त पॉटी आ रही है और फिर वो लूज हुई जा रही है, अगर ये सिनेरियो आपका कॉन्स्टिपेशन का बनता है तो आपके लिए दवा एलुमिना 200 है 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी दवा इसकी नक्सोमिका 30 है। नक्सोमिका के मरीज को कॉन्स्टिपेशन तो होता है हाइपोथायरायडिज्म में, लेकिन उसको स्टूल रोज़ पास होता है लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है, उसको सेटिस्फाई नहीं होता और पेट दर्द होने के बाद पॉटी होती है, अगर यह स्थिति साथियों आप में हो तो निश्चित रूप से आपकी दवा नक्सोमिका है। आप नक्सोमिका 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। तीसरी दवा साथियों इसी कंडीशन की है जब आपके कॉन्स्टिपेशन विद हाइपोथायरायडिज्म हो, ब्राइनिया। ब्राइनिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका स्टूल बहुत सख्त हो गया, वेरी हार्ड स्टूल हो,
एज ए बर्न्ड, लगता है जला हुआ पॉटी हो रहा है, जली हुई लैट्रिन हो रही, सूखी, तो उस स्थिति में साथियों ब्रायनिया 30 आपकी दवा है। आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपको हाइपोथायरायडिज्म हो, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। एक चौथी स्थिति साथियों आती है जो कि हम लोग परेशान रहते हैं, हेयर फॉल की। हेयर फॉल के साथ आपका हाइपोथायरायडिज्म, अगर हाइपोथायरायडिज्म हो साथ में आपके हेयर फॉल हो रहा हो साथियों, तो इसकी दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा साथियों है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 1 mg आप दो दो बूंद आप जो है हर हफ्ते वीकली डोज ले लें, तब ले लें उस स्थिति में जब आपको नमक बड़ा पसंद होता हो। नेट्रम्यूर के पेशेंट को नमक खाने की बड़ी इच्छा होती है, उसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है और थोड़ा उसमें गुस्सा होता है, इरिटेशन बहुत होता है। अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं और आपको हाइपोथायरायडिज्म के साथ हेयर फॉल हो रहा है, तो आप नेट्रम्यूर 1 mg दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी दवा साथियों इसी स्थिति की है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं हेयर फॉल में ड्यू टू हाइपोथायरायडिज्म। जब आपके पेट में गैस बहुत बनती हो, गुड़गुड़ाहट बहुत होती हो, पेट में भारीपन रहता हो और आपके जो है बाल सफ़ेद भी हो रहे हो, अगर यह स्थिति साथियों आप में हो तो आप लाइकोपोडियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपके हाइपोथायरायडिज्म में भी आराम देगी और आपके हेयर फॉल को रोकने में भी मदद करेगी जो कि हाइपोथायरायडिज्म के कारण है। फिर साथियों एक कंडीशन आती है हाइपोथायरायडिज्म में, जब आपको हाशिमोटो डिजीज़ हो गया, आपके डॉक्टर ने कहा, डायग्नोज करा, साहब आपको हाशिमोटो डिजीज़ है, यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि हाइपोथायरायडिज्म की एक कंडीशन होती है। अगर साथियों यह कंडीशन आपको हो तो होम्योपैथी में इसकी बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्ब, सीपिया और ब्रेफाइटिस। कैल्केरिया कार्ब 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लीजिए जब आपके सर से बहुत पसीना आता हो और आपको जो है वह गर्म चीज़ें अच्छी लगती हों। सीपिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लीजिए जब आप जो है बहुत दुबलापन आ रहा हो, बहुत आपका वेट लॉस हो रहा हो, उस स्थिति में आप सीपिया 30 दो दो बूंद ले सकते हैं और ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो। यह तीनों दवा आपको फ़ायदा करेंगी। साथियों ये कुछ दवाएं थी आपके हाइपोथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए। मैं एक आपको घरेलू नुस्खे की भी टिप देना चाहूँगा, वह ये है कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो आप पानी बहुत पिए। पानी पीने से थायराइड हाइपोथायरायडिज्म क्योर होता है, उसमें लाभ मिलता है, वो ठीक होता है। तो साथियों यह कुछ दवाएं थी आपके थायराइड को ठीक करने की। मैं फिर कहूँगा कि यह आपके होम्योपैथी की अवेयरनेस के लिए, होम्योपैथी को स्प्रेड करने के लिए और आपके नॉलेज के लिए है। दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि सिम्टम भी भिन्न हो सकते हैं, दवाएं भी भिन्न हो सकती हैं पर्सन टू पर्सन होम्योपैथी में। साथियों अगर आपको कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप हमें अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं 94-15-786-380 पर। 9415786380 फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट पोर्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोशिश करी जाएगी कि आपको संतोषजनक उत्तर दिया जाए और लाभकारी उत्तर दिया जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। एक साथियों इसमें होम रेमेडीज़ का भी वीडियो पड़ा है कि थायराइड में आप क्या परहेज करें, क्या खाएं ना खाएं, इसी चैनल पर पड़ा है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वह वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक ना करा हो, और बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन का आप जो है वह हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी भी ले सकते हैं। आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।